नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर कोडरमा में इंडिया के उम्मीदवार कामरेड विनोद सिंह को विजयी बनाने को लेकर शनिवार को सिद्धगावा में राजद प्रखंड कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। कार्यकारिणी बैठक में इंडिया के कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार विनोद सिंह, राजद जिलाध्यक्ष रामधन यादव भी पहुंचे। राजद प्रखंड कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष विनोद यादव ने किया, जबकि संचालन मोहम्मद गुलाम ने किया। माले विधायक और इंडिया के प्रत्याशी कामरेड विनोद सिंह का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और पुष्प गुच्छ भेंट किया। संबोधित करते हुए विनोद सिंह ने कहा कि कोडरमा में पिछले 10 सालों से भाजपा का सांसद है, लेकिन इन 10 सालों में कोडरमा की जनभावना की आवाज संसद में कहीं नहीं सुनाई दी। उन्होंने कहा कि कोडरमा की जनता डिबरा पत्थर, बेरोजगारी, पलायन के मुद्दे पर कराह रही है, लेकिन उनकी आवाज को सांसद ने कभी तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कोडरमा की जनता ने जिस उम्मीद के साथ भाजपा सांसद को पिछले चुनाव में चुना था, वह उम्मीद टूट गई। कोडरमा की जनता के साथ धोखा हो गया है। उन्होंने कोडरमा के जनमुद्दे पर जनता की आवाज को सड़क और संसद में उठाने वाले प्रत्याशी को चुनने की अपील की। राजद जिलाध्यक्ष रामधन यादव ने कहा कि कामरेड विनोद सिंह झारखंड के सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं। उन्होंने सड़क और सदन दोनों जगह जनता के मुद्दों को प्रखरता से उठाया। उन्होंने कहा कोडरमा में जनता बदलाव के पक्ष में गोलबद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोडरमा में गिनाने के लिए कोई कार्य नहीं है। कोडरमा के मजदूरों का पलायन के लिए ट्रेन का ठहराव जरूर हुआ, लेकिन कोडरमा में ही रोजगार मिल सके इसके लिए कोई फैक्ट्री नहीं खुली। उन्होंने कहा कि सांसद की उदासीनता के कारण ही कोडरमा में विकास ठप है। कामरेड विनोद सिंह कोडरमा की नई उम्मीद है और जनता के उम्मीद पर खरा उतरेंगे। बैठक में हर बूथ तक चुनावी अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। कोडरमा लोकसभा चुनाव को लेकर के झारखंड सभी के सीटों के लिए लेकर के इंडिया गठबंधन जो है धीरे धीरे जो है उसकी तैयारियां बढ़ती जा रही है। आज उसी संदर्भ में सतगावा में जो है राजद के तमाम जो है कार्यकारिणी सदस्यों के साथ मीटिंग थी, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव जी, भाई अवधेव जी, तमाम सतगावा के कार्यकर्ता जो है वो शामिल थे। और जिस सतगावा से कोडरमा के इस शुरुआत होती है लोगों ने किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों ने 10 बार से ज़्यादा कोडरमा से सांसद भारतीय जनता पार्टी से चुने हैं, कोडरमा से चुने हैं। इन कोडरमा के लोगों के साथ धोखा हुआ है, वो चाहे अब्रक का सवाल हो, मायका का सवाल हो, यहाँ का खेती का सवाल हो, यहाँ के प्रवासी श्रमिकों का सवाल हो, ये एजेंडा नहीं रहा है। लोगों ने यही देखा है कि लोगों ने नाम तो बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन दर्शन जो है छोटे हुए हैं। आज जरूरत कोडरमा इस बात को लेकर के है, सड़क की आवाज़ को, संघर्ष की आवाज़ को जो है कोडरमा के संसद में गूंजे, जिस तरीके से राज्य के विधानसभाओं में गूंजती है। और इसलिए इस बार इंडिया गठबंधन की ओर से भाकपा माले के प्रत्याशी झंडे पे, तीन तारा पे बटन दबाने के लिए पूरा कोडरमा तक पर आगामी लोकसभा नहीं, आपका 1.5 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, और उसी को तैयारी को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल सतगावा प्रखंड के कार्यकारिणी की बैठक किया गया था। और उस पूरा कार्यकारिणी बैठक के दौरान में हम लोग सभी लोगों ने तय किया कि जो राष्ट्रीय जनता दल समर्थित महागठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं, लोकप्रिय बगोदर के विधायक और पूरे कोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी पूरे विनोद सिंह जी, उनको जिताने के लिए हम लोगों ने आज रणनीति बनाया। और यहाँ के लोगों ने शपथ लिया कि जिस तरह से माननीय लालू यादव जी के द्वारा जो प्रत्याशी दिया जाता था, उनको बम्पर तरीके से यहाँ जीत मिलती थी, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जाति धर्म से ऊपर उठकर इस बार लोगों ने संविधान बचाने के लिए वोट करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुमत से सतगावा प्रखंड में यहाँ के साथियों ने लीड करने का काम करा है। वी टाइम न्यूज़ के लिए सतगावा से कौशल पांडे की रिपोर्ट।